हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो आज बहुत ही एक स्पेशल डे है। मैं मुकेश गहलोत गुरुजी के साथ ट्रेन करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, आई थिंक 99% लोग जो ये वीडियो क्लिक भी कर रहे हैं वो जानते होंगे। तो जब 4-5 साल पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा ही था, 10,000-12,000 सब्सक्राइबर पहुँचा था और मेरे घर वाले मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुनाते थे, डांटते थे कि दिस इज़ नॉट द फील्ड, तुम लॉ पढ़ने गए हो, लॉ पढ़ाई करो, उसमें ही करियर बनाओ, ये पहलवानी, ये जिम करने में कोई करियर नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो फिर मैंने मुकेश गहलोत की पापा को बैठ के प्रोफाइल दिखाई थी और मतलब गुरुजी की प्रोफाइल मतलब शो करी, उनके बारे में बताया कि ऐसे जिम है, ये है, वो है। एंड देन फिर मेरे पापा को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ, इसमें करियर बनता है, इसमें भी पैसा लोग कमाते हैं। बिकॉज वो मेरे को लगता है बहुत ही ज़रूरी है। आप भी अगर कोई चीज़ पिक कर रहे हो जो कि मतलब यूनिवर्सल नहीं है, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये तो हर कोई बन ही रहा है, इसमें पता है आपके घर वालों को भी कि हाँ सही है, बट इस फिटनेस फील्ड में थोड़ा सा घर वाले डाउट करते हैं और वो कर उनका भी सही है। आज बहुत ही बड़ा दिन है, मैं उनके साथ डेडलिफ्ट उनके जिम में उनके सामने परफॉर्म करूँगा, उनसे सीखने मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अभी तक अकेला करता आया हूँ, अकेले ट्रेन करते आया हूँ। तो एक होता है ना, जितना मैं YouTube, इंस्टा ये सब देख देख के अपना पढ़ पढ़ के जो सीख सकता हूँ मैं खुद से मैंने करा है, बट आज मतलब एक होता है ना कि बड़े के साथ करके वो सीखने को मिलेगा। सो चलते हैं, वेरी एक्साइटेड प्लस वेरी नर्वस कि मैं उनके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँगा कि नहीं, बट ये आई थिंक आप लोगों ने भी मैनिफेस्ट करा होगा कि मैं उनके साथ कभी डेडलिफ्ट करूँ और लेट्स गो। ऑल्सो गाइज, आज मसल ब्लेज का ग्रेट परफॉर्मेंस सेल 4.0 का लास्ट डे है, तो अगर आपको अपना सप्लीमेंट स्टैक मंगाना है ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज बहुत सारे कॉम्बोज ऑफर चल रहे हैं, बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं वेबसाइट पे, ऐप पे, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल्सो BCAA में एक नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है, लीची फ्लेवर, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो मेरी ट्रेनिंग 2-3 घंटे लंबी चलती है तो BCAA यूज़ करता हूँ मैं। अगर आप BCAA यूज़ करते हो तो लीची फ्लेवर ज़रूर ट्राई करना। फिर से कह रहा हूँ, लास्ट डे है डिस्काउंट का, जितना भी स्टैक मंगाना है अभी मंगा के रख लो क्योंकि ये बेस्ट डिस्काउंट्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ मसल ब्लेज का। बाकी मसल ब्लेज से कुछ भी खरीदते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए SINGHA30 कूपन कोड यूज करो, उससे एक आपको भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स गो। बड़ी भीड़ है। सो गाइज, एक चीज़ तुम्हें लगेगी कि मैं इस वीडियो में थोड़ा बात कम कर पाऊँगा, बिकॉज ऑब्वियसली उनके सामने बात करने में थोड़ी सी शर्म आ रही है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बाकी भास्कर भैया से तो बात कर सकते हैं, गुरुजी से बात करने में थोड़ा सा नर्वसनेस हो जा रहा है, मैं कर लूँगा। बाकी इनका बेंच का रिकॉर्ड है इक्विप्ड का 315 kg स्टेज पे, और मेरे को नहीं लगता 315 है, 320 है, और मेरे को नहीं लगता कोई आसपास भी है, कोई है नहीं है। अभी वो तोड़ते हैं उसको भी, ख़त्म करते हैं 6 महीने। हाँ, अभी पतले लग रहे हैं काफ़ी जिम, और अभी गुरुजी है नहीं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। बड़ी नर्वसनेस हो रही है मेरे को, फर्स्ट टाइम आया हूँ और काफ़ी ही रॉ जिम है, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसा हमने क्या बोलते हैं मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है। भाई मेरे पता नहीं क्यों नर्वसनेस हो रही है बड़ी, मतलब पूरे फिटनेस इंडस्ट्री में मैं ऑनेस्टली तुम्हें कह रहा हूँ बहुत ही कम लोगों का ऑरा होगा, ऑरा एक ऑरा होता है और वो ऑरा इनका है गुरुजी का, तो एक थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है। बाकी मेरे को किसी से भी मिलने पे वो नर्वसनेस नहीं होती, इनफैक्ट मैं सेलिब्रिटी से भी किसी से मिल लूँगा तो नहीं होगी, मे बी मेरे को नहीं लगता, बिकॉज इस फील्ड में आई थिंक ये मतलब एक होता है ना कि टीचर हैं बेस्ट, सो लॉट टू लर्न। थोड़ा देर वेट करते हैं, ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है, घुमा दिखा दो, तो दैट इज़ द डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म, तो उसी डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म पे करेंगे, देखते हैं कितना खींचते हैं। 275-280, काफ़ी थके हुए हैं क्योंकि सुबह से निकले थे, एक मील खाई है सुबह से, घर से निकले हुए हैं और देहरादून से दिल्ली 7-7 आवर्स यहाँ तक आने के लिए जिम आने में, तो थोड़े थके हुए हैं बट ठीक है, फिर भी जोश रहेगा, करेंगे। सो गाइज तैयार हो गए हैं और पता नहीं कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अनसर्टेन है, बिकॉज आई डोंट लाइक जब भी मेरी प्रेप हो ट्रैवल करना, और मतलब अभी कहीं जाता नहीं, बट अभी ज़रूरी था बिकॉज ये काइंड ऑफ एक बहुत टाइम से जब से मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ ड्रीम था कि इस जिम में ट्रेन करेंगे,
सो उसके लिए ट्रैवल तो करनी पड़ेगा. सो स्टार्ट करते हैं. आई हैव नो कैमरा मैन और समथिंग. सो आई विल कीप इट एकदम रॉ है ना. एंड आगे से भी कोशिश करेंगे रॉ रखने की थोड़ी, बिकॉज आई थिंक गाने वाने से थोड़ा सा डिसकनेक्ट होता है. गाना नहीं बज रहा है. एंड मेरे को मन्नू ने पहले बताया था कि यहाँ गाना नहीं बजता, सब अपना अपना ट्रेनिंग करते हैं. और गाने के साथ साथ अगर नोटिस करो किसी पे हेडफोन भी नहीं है. सो ये दो चीज़ें मैंने डिफरेंट नोटिस करी. नो हेडफोन्स, नो म्यूज़िक. म्यूज़िक आ रही है बस आयरन प्लेट्स की. एंड वो बहुत सुंदर म्यूज़िक है. सो बात नहीं कर पाऊँगा है ना. सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मेन सेट के बाद बात करते हैं. इधर रख. आठ नौ घंटे ट्रैवल किया है बट स्टिल ये जिम में ट्रेनिंग करना एक सपना रहा है बहुत टाइम से. सो कांट लेट माई सेल्फ डाउन बिकॉज इतने टाइम से यही मतलब विजुलाइज करा है बहुत टाइम से. सो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट. आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए भी होगा जो फिटनेस में है. सो लेट्स गो. एम 275-280 थोड़ा सा तेज मारने का रहेगा क्योंकि अगर 93 नेशनल जीतना है तो 305 डेडलिफ्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा. सो अगर 275-280 तेज़ आता है तो ऑब्वियसली वो आएगा. कुछ 18-20 दिन बचे हैं कंपटीशन को. सो इट्स इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक और 275 लेने का टाइम नहीं मिलेगा. सो लेट्स गो. क्या गलती है? ये झुकी रह रही है. ये और थोड़ा सा ये पैर भी अभी चेक कर रहा हूं. पैर यूं कर रहा है ना. हां एक बार
अच्छा, ये जो तेरे पोस्चर नहीं बन पाता ना, हिप पहले उठ जाता है, एंगल बिल्कुल खराब है डेडलिफ्ट मेरा, मैं 310 315 भी उठा लेता हूँ यहाँ फंस जाता है, वो कमर पे लोड नहीं आ जाता, चेस्ट ओपन नहीं है ना, नहीं तो लॉक हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक आ गया भाई, अगर आपका पोस्चर ठीक है और इसी के बारे में ज्यादा नहीं पता कि मैं ऐसे ही मारता बड़ी मुश्किल से, मेरी और भास्कर भैया की बॉडी थोड़ी एक ही जैसी है, हाथ मेरे को लग रहा है भास्कर भैया पतले हो गए क्या ले भाई तेरी अच्छी है और वो लोग उसी को तालियां ही बजाते रहते हैं, तो तू उसको और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ, 300 के पास रुक गया, तेरी कैपेसिटी 350 में जाने की है, बस जरा सा अपना जो लाइट ट्रेनिंग होती है उसमें टेक्निक को ठीक करेगा, लाइट ट्रेनिंग होती है टेक्निक के लिए, हैवी ट्रेनिंग में अभी चेंज होती है कंपनी से बात करता हूँ, कंपनी से चेंज है उसके बाद आइए बताना, मैं तरीका बताऊंगा देखो, 10-15 मिनट यूज़ करके देख अपने आप, तेरे यहाँ पेन होना शुरू होगी सबसे पहले, मेरे ये यूज नहीं हो रहा ना, पेन भी हो रही ना, हाँ नहीं नहीं यूज होता मेरा, रुक जिस दिन यूज होना शुरू होगा यहाँ सोने से ये ऐसे उठाया तो वही ये होती है ठीक, अभी तो इसी में लगा है, बेंच 180 मारी अभी, अच्छा हाँ, और स्क्वाट 270 करी है, 93 के लिए अभी पूरा वेट है, नहीं 95.5 95.6 ऐसी, 270 20 दिन है अभी, आप आओगे इस बार हैदराबाद, हैदराबाद हो रहा है, अच्छा 280 ले रहा हूँ, फेल दे देंगे इसको, फेल दे देंगे, अच्छा ये इंडिया में से फेल दे सकते हैं, बता दिया तुमने। सो गाइस डेडलिफ्ट का सेशन हो गया, 280 केजी करा, बट थोड़ा सा स्लो आया, बट मैं एक चीज़ कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 8 घंटे ट्रैवल करके आके 280 केजी हिट किया है, कंपटीशन में बहुत ही बढ़िया आएगा, 300 आएगा, क्योंकि अभी बॉडी वेट का चक्कर नहीं है तो कट नहीं करना है, और अभी काफ़ी ट्रैवल था, मैं 280 से थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ स्पीड से, बट ठीक है नेक्स्ट वीक 290 करते हैं, अपने जिम में करूँगा तो शायद खा पी के जाऊँगा सही से तो और ज़्यादा बढ़िया आ जाए, ठीक है अब थोड़ा बॉडी बिल्डिंग वर्क करते हैं, मेरे को देखना है कि मेरे से पुलअप्स कितने लगते हैं, 96 केजी वेट है, देखते हैं कंप्लीट पुलअप्स पूरे ऊपर तक कितने लगते हैं। गुरुजी मैंने मतलब 5 साल पहले मैं जब मतलब YouTube नहीं यूज़ नहीं करता था ऐसे,
तब से मतलब देख रखा है। YouTube अच्छा चल रहा है तुम्हारा, लेकिन ये अच्छे कॉज के लिए रहना चाहिए हमेशा। हाँ, हमेशा गुड कॉज के लिए रहना चाहिए। मेरे को आपको एक बात बतानी थी, जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था तो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर थे, तो मेरे पापा ने पूछा था कि इसमें पैसे वैसे हैं कि नहीं, तो मैंने आपकी वो भेजी थी प्रोफाइल और बोला था कि इनको देखो, तो फिर मेरे पापा ने बोला था कि चलो। और मैं YouTube शुरू नहीं कर पाया अभी तक। नहीं पर नहीं कॉज तो ब्राइट फ्यूचर है, बस अपना गेम से फोकस में रखना। हाँ, कोई कुछ भी कहे सोशल मीडिया पे, कहीं सुना ही नहीं, इग्नोर करना सीखो। लाइफ में इग्नोर करना सीखे ना तो आगे बढ़ जाओगे, इग्नोर नहीं कर पाए ना चीज़ों को तो वहीं अटके रहोगे दलदल में। ये बहुत बड़ी कला है इग्नोर करना, तुम्हारा फायदा नहीं करेगी कोई चीज़ इग्नोर करो, जो मर्जी भगता रहे तुम उससे। बस यही रिफ्रेंस अपना परफॉर्मेंस देना, तुम झगड़े हो जब परफॉर्म करोगे सब, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं मिलेगी। ठीक है, बोलता वो जिसमें दम नहीं है वो अपनी बोल के बड़ास निकालेगा, जिसमें दम हो तो करके दिखाएगा भाई। तो अभी मेडल लेके यहाँ आएंगे, बिल्कुल गारंटी। टीम में आ रहे हो, भास्कर की टीम को तोड़ना नहीं है, बनाए रहो। हाँ हाँ।